नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज और आप सभी का मैं चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज जो हम अपने टेरिस से जो है कुछ फ्रूट की हार्वेस्टिंग करेंगे। फ्रूट में से देखिए, सबसे पहले जो है हम अपने जो वेजिटेबल में आता है कि करौंदा, तो करौंदे को हम हार्वेस्ट करेंगे। करौंदे जो हमने पेड़ लगाया था और उस पर देखिए एक ही साल में जो है उसमें फ्रूटिंग हो गई और काफ़ी अच्छी चीज़ उसमें फ्रूटिंग हुई है। ये जो प्लांट था मैंने नर्सरी से परचेज किया था और बड़ी जल्दी इस पर फ्रूटिंग पे आ गया। अगर आपके ऐसे प्लांट नहीं है ये जो आपके आसपास नहीं मिलता है तो आप इस प्लांट को जो देखिए सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। सीड से अगर आप ग्रो करते हैं तो 2 साल में ही आपके पास ये जो फ्रूटिंग करने लग जाता है। और ये देखिए इसका जो है अचार भी बड़े टेस्टी बनाया जाता है। और आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि हम जो हार्वेस्टिंग भी करेंगे और इसका अचार भी कैसे डालते हैं वो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में, आप देख सकते हैं ये मेरे जामुन लगे हैं। तो चलिए हम पहले जामुन को ही हार्वेस्ट कर लेते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल वाले आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा जामुन का पौधा और ये जो है मैंने अभी ही परचेज किया है। और इस पर देख सकते हैं कि मेरे अभी छोटे से पॉट में इसको ग्रो किया है। जो प्लांट मेरा ग्राफ्टेड है और इस पर जो है मेरी फ्रूटिंग हुई है। तो इसमें से देख सकते हैं कि मेरे 4 जामुन लगे थे लाल और ये प्लेन प्लांट जो है मेरा बहुत ही छोटा है। तो देखिए इसमें जो जामुन है मेरे ब्लैक हो चुके हैं। तो चलिए पहले हम इसको ही हार्वेस्ट कर लेते हैं आपके सामने। तो ये देखिए मैंने 2 यहाँ पे हार्वेस्ट कर लिए है, अभी थोड़ा इसमें कलर आना बाकी है। तो देखते कितना शानदार जो फ्रूट्स है, देखिए बड़ी ही खुशी मिलती है। चाहे आप अपने देखिए, जब आप अपनी मेहनत से जो घर पे जो फ्रूट प्लांट है लगाते हैं और उनको जो ग्रो करते हैं, उनके साथ जो मेहनत करते हैं और उनसे देखिए इस तरह से अगर आपको फ्रूट मिलते हैं, चाहे वो बेशक एक ही क्यों ना हो, आपको बड़ी ही खुशी मिलती है। देखिए फ्रूट हम जो हम आ चुके हैं अपने ऊपर वाले टेरिस पे और यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे बहुत सारे फ्लावर्स जो है और वेजिटेबल लगी है। और देख सकते हैं ये जो है मेरे करौंदे का प्लांट है और इसमें देखते हैं कि करौंदे मेरे लगे हुए कितने जो है और ये पक चुके हैं और ये ब्लैक कलर के भी होने स्टार्ट हुए हैं। देखिए करौंदा 2 टाइप का आता है। देखिए जो आपने करौंदा देखा होगा वो एक देख सकते हैं व्हाइट और जो पिंक कलर का रहता है, रेड कलर का। और ये देखिए जो मेरा डायरेक्ट महरूम कलर का है। तो इस टाइप के जो करौंदे आते हैं, तो इसके जो करौंदे का जो है इसमें जो है कांटे बड़े खतरनाक रहते हैं और इसको जो आप सावधानीपूर्वक यूज़ करना चाहिए। जो प्लांट देखिए एक झाड़ी नुमा होता है और ये जो ज़्यादातर जो है खेत में देखिए किनारों पर लगाया जाता है ताकि जो इसमें गाय भैंस वगैरह जो इसमें एंटर ना कर सके या कोई जंगली जानवर। तो इसका जो है इसकी जो देखिए काफ़ी जो है सुंदर अचार भी डाला जाता है। तो अचार भी मैं आपको आज की वीडियो में डालना सिखाऊंगा। तो देखिए जो प्लांट है एक झाड़ी नुमा रहता है और अगर इसकी समय समय आपको देखिए तरह से प्रूनिंग करते रहना है। अगर आप इसकी प्रूनिंग नहीं करते तो बहुत ही जो है झाड़ नुमा भी फैल जाता है। और देखिए इस तरह से आप हार्वेस्टिंग कर रहे थे, इसमें देखिए इस तरह से जो है मैं कहूँगा कि दूध भी निकलता है। तो आप इसको तोड़ के इस तरह से रख लीजिए और फिर इसको हम वॉश करेंगे। और देखिए कई लोग तो जो है इसका जूस पीना भी बहुत पसंद करते हैं, इसका जूस भी पिया जाता है और ये हमारे सेहत के लिए काफ़ी देखिए बेनिफिट भी रहता है। और देखिए इसमें जो मेरे पहली बार था काफ़ी सारे जो फ्रूट है इस पर वो सेट हुए हैं यहाँ पे। और देखिए आपको इसकी प्लांट की अगर केयर के बारे में बात करूँ तो देखिए जो प्लांट है आप इसको फुल सनलाइट में रखिए। इस प्लांट को देखिए पानी की नीड भी कम रहती है और ये जो प्लांट अगर आप इसको 3 से 4 दिन पानी अगर नहीं भी देते हैं तो भी प्लांट बड़े अच्छे से आपका चलता है। और बाकी इस प्लांट में देखिए आपको जो है फर्टिलाइजर, इस प्लांट को जो है फर्टिलाइजर की अधिक रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। आप इसको फर्टिलाइजर नहीं भी देंगे तो भी जो आपके पास ये फ्रूटिंग करने वाला है तो ये प्लांट बहुत ही अच्छा है। आपको जोर से इसको अपने टेरिस गार्डन में ग्रो करना चाहिए और ना ही ये ज़्यादा काफ़ी कॉस्टली आता है। ये जो आपको 100-150 रुपये रेंज में जो है आपको इजली जो है नर्सरी में मिल जाता है। अगर नर्सरी में आपके नहीं भी मिलता है तो देखिए आप जो है इसको रिक्वेस्ट पे जो है नर्सरी वाले से आप इसको मंगा भी सकते हैं। और इसमें देखिए मैं आपको बता दिया 2 टाइप की वरायटी आती है, तो कोई भी वरायटी आप ग्रो कर सकते हैं। इसको जो है मैंने लोकल नर्सरी से ही परचेज किया था। तो देखिए यहाँ पे जो है मैंने फर्स्ट टाइम में जो प्लांट फ्रूटिंग की थी और जो है यहाँ पे हार्वेस्ट कर चुके हैं। और देखिए ये थी कुछ हार्वेस्टिंग जो मैंने यहाँ पे जब मैं फ्रूट प्लांट से पहली बार हार्वेस्ट किया है। और देखिए इसमें फ्रूट्स और भी लगे थे जो है फ्रूट्स में, देखिए हम यहाँ जितनी और भी आते हैं तो जो हमें सामने दिखाई देते हैं तो मन लग जाता है और जुड़ने और हम इसे एक दो जो इसको तोड़ के खाते रहते हैं। ये फ्रूट है खाने में देखिए खट्टा मीठा रहता है और देखिए जो लास्ट में इसका थोड़ा सा टेस्ट आएगा वो थोड़ा मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा कड़वा करवाट सी जो आपको वो लगती है तो काफ़ी है। और इसके तरह से देखिए आप दूध है, अगर इसके साथ ही आप खाते हैं तो जो आपके होंठ है वो थोड़े चिपचिपे से हो जाते हैं। और देखिए इस प्लांट को मैं अगर मिट्टी की बात करूँ तो इस प्लांट की मिट्टी को भी देखिए आप, कुछ खास जो है इसको जोड़ नहीं पड़ती है। सिर्फ इसकी मिट्टी आपको देखिए फुल जो है वेल ड्रेन मिट्टी आपको इसको तैयार करनी है क्योंकि इस पानी को प्लांट को जो है देखिए और वाटरिंग बिल्कुल ही पसंद नहीं है। जो प्लांट है देखिए एक थोड़ा कह सकते हैं कि डेजर्ट टाइप का है और इसको बड़े अधिक पॉट की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। आप इस तरह से इसको बेच करके जो पिछले कंटेनर है या फिर किसी पुराना आपके पास कोई जो कंटेनर है उसमें आप इसको कट करके लगा सकते हैं। इसकी जो रूट्स है वो काफ़ी
मैं कहूँगा कि जो गहराई तक नहीं रहती है, जो पुराना टाइम देखते हैं मेरे पास जो है 1 साल से ऊपर लगाया है, और इसमें देखते हैं जिसकी रूट्स अभी तक मैंने एक ही बार इसको लगाया था और इसमें जो मेरे प्लांट्स अभी तक अच्छे से चल रहा है, और ये जो मैंने फुल ऊपर टेरिस में जो इसको रखा हुआ है। तो ये थी हमारी हार्वेस्टिंग। चलिए अब इसको जो हम कैसे इसका जो अचार डालते हैं वो आपको बताएंगे। तो अचार डालने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि आप इस तरह से जो फ्रूट्स है वो आपको धो के जो है हल्की सी धूप में जो है इसको सुखा लेना है, और सुखा लेने के बाद जो है हम इसको हाफ हाफ पीसेस में कट कर लेंगे। देखिए हमने जो है अब करौंदे का अचार हम डालने जा रहे हैं। कल हमने जो हार्वेस्टिंग करी थी करौंदे की, देखिए मेरे जो करौंदे हैं फर्स्ट टाइम में प्लांट पे जो फ्रूटिंग हुई थी, और इतने ही कुछ करौंदे निकले और कुछ हमने वैसे ही कच्चे तोड़ के खा लिए थे। खाने में जो है खट्टे मीठे रहते हैं, और जो लास्ट में थोड़ा इनका जो है जो कड़वापन आता है। तो हमने ये जो यहाँ पे ये करौंदे ले लिए हैं, और देखिए इसका अचार डालने के लिए सबसे पहले आपको बताऊँ कि आपको ये धोके जो है करौंदे को सुखा लेना है, और ये हमने धोके कल ही सुखा लिए थे, आज जो हम इसका अचार डालेंगे। तो इससे पहले हमें क्या करना है, देखिए इन करौंदों को जो है हाफ कट कर लीजिए, और हाफ कट करने के बाद आप इसमें देखिए इसके अंदर जो सीड्स होते हैं तो वो आपको निकाल लेने हैं। और देखिए कुछ तो करौंदे जो है मेरे यहाँ पे बिल्कुल पक्के रेडी है, आप देखेंगे। और जो देखिए इसमें करौंदा व्हाइट और सफ़ेद पिंक कलर का भी आता है, और देखिए इसकी सीड्स हमने वो यहाँ पे बाहर निकाल लिए हैं। तो इसी तरह से आपको जो इनको हाफ कट कर लेना है, और सारे जो इनके जो गुठलियाँ हैं वो आपको बाहर निकाल देनी है। अगर आप गुठली बीच में रहन देते हैं तो देखिए आपको जो टेस्ट है वो थोड़ा अलग लग सकता है, क्योंकि कई बार होता है कि जो गुठलियाँ होती है वो कच्ची रहती है, तो आप कट करके उसमें डायरेक्ट डाल देते हैं। वो आप चाहे दोनों तरीके आजमा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप उसको बाहर निकाल दें। तो यहाँ पे जो हम गुठलियाँ जल्दी से जो है सारी बाहर निकाल देते हैं कट करके। और देखिए इसके लिए जो अचार में जो मसाला डलता है, तो मसाला डलने के लिए आपको बताऊँगी इसमें आपको क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे जो मैंने मसाला लिया है, तो देखिए ये जो मेरे करौंदे हैं तो उसी के अनुसार जो है मैंने यहाँ पे इतना मसाला लिया है। तो आप जितना 250 ग्राम या जो आधा किलो अचार जितना भी आप डाल रहे हैं, तो उसके हिसाब से जो है मसाले की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको बताऊँगी इसमें जो मसाले हैं वो यूज़ होने वाले हैं। देख सकते हैं आप, ये जो है मैंने नमक लिया है, तो नमक जो आप अपने अचार में स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। मिर्च भी जो है स्वाद अनुसार। और यहाँ पे जो है मैंने हल्दी ली है, तो हल्दी देखिए आप थोड़ा इस्तेमाल कीजिए, अगर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपको अचार जो थोड़ा कड़वा हो सकता है, तो इसलिए आप जो है इसको भी अपने अचार की क्वांटिटी के अनुसार इसको ऐड कीजिए। और साथ ही देख सकते हैं यहाँ पे जो है धनिया पाउडर, ये जो है मेरा पिसा हुआ है। अगर आप साबुत लेते हैं तो आपको जो बाद में जो सारा मसाला है आपको वैसे भी जो ग्राइंड करना पड़ेगा, तो इससे पहले आप कोशिश कीजिए, अगर आपको इस तरह से पिसा हुआ मिल जाता है बहुत अच्छी बात है। और साथ ही इस तरह से देखिए आपको जो है यहाँ पे सौंफ वो आपको लेनी पड़ेगी, तो सौंफ भी इस तरह से अपने इसमें ऐड करने के लिए जो है ले सकते हैं। और साथ ही देखिए यहाँ पे जो है मैंने जो है यहाँ पे सरसों ली है, सरसों भी जो आपको इसमें ऐड करनी चाहिए। और साथ ही देख सकते हैं यहाँ पे अजवाइन, और अजवाइन की भी है मैंने यहाँ पे कुछ दाने लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये जो सारे मसाले हैं, तो इन सब मसालों को जो आपको क्या करना है, लेके सबको एक तरीके से ग्राइंड कर लेना है, और ग्राइंड करने के बाद जो है सारा मसाला आपका रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो करौंदे थे उसको जो हम हाफ कट कर रहे हैं, और साथ ही देखिए यहाँ पे जो है जब तक हम जो मसाले हैं मसाला को जो हम सारा यहाँ पे ग्राइंड कर लाते हैं। तो देखिए जो यहाँ पे हमारा साबुत मसाला था उसको जो हमने पीस लिया है, तो देख सकते हैं पिसा हुआ मसाला ये है, और बाकी तो पिसा हुआ पाउडर फॉर्म में है ही। अब आपको क्या करना है, इन सब मसालों को जो है आपस में मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे जो करौंदे थे देखिए वो भी हमने जो है यहाँ पे कट कर लिए हैं, और उनकी जो सीड्स थे बाहर वो सारे हम बाहर यहाँ से निकाल चुके हैं। और देखिए अभी सबको जो है हम पहले मसाला को मिक्स कर लेते हैं, ये सबको आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। देखिए इसमें जो है आप ये जो अचार है खाने में काफ़ी अच्छा लगता है, खाने में टेस्टी रहता है। तो एक बार आपसे, आपने अभी तक नहीं खाया था, एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। और ये जो प्लांट है, देखिए प्लांट भी आपको नर्सरी में जैसे अवेलेबल मिल जाता है, एक बार आप अपने अगर आप टेरेस गार्डन के शौकीन हैं तो एक बार जरूर से कोशिश कीजिए। और देखिए यहाँ पे जो हमने करौंदे थे वो भी सारे लेके इसमें इससे भी मसाले में जो आपको मिक्स कर लेने हैं। आप इनको जो है अच्छे तरीके से आप सारे मसाले को मिक्स कर लीजिए, और ये पे जो हमने सारा मसाला मिक्स कर लिया है। इसके बाद देखिए जो इसको मसाले को देखिए इस तरह से हम जो कांच की बोतल ली है हमने, इस तरह से इसमें हम इसको भरेंगे। तो आप चाहे तो इस तरह का प्लास्टिक का जो कंटेनर है उसमें भी आप ले सकते हैं, अगर आप कोशिश कीजिएगा, अगर आप कांच का जो जार लेते हैं वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। क्योंकि देखिए प्लास्टिक की बोतल में कई बार क्या रहता है, आप प्लास्टिक बोतल में अगर उसे धूप वगैरह में रखते हैं तो कई बार क्या है उसमें स्मेल वगैरह होने का कई बार हो जाती है अचारों में। तो आप कोशिश कीजिए कि कांच की बोतल इस तरह से लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहती है। और देखिए यहाँ पे साथ में जो हमने इस तरह से जो सरसों का ऑयल लिया है, तो आप सरसों का तेल इसमें हम जो ऐड करेंगे, सरसों का तेल जो है सबसे बेस्ट रहता है अचार के लिए, इसमें जो है आपका अचार खराब कम रहता है, कम होता है।
तो चलिए हम यहाँ पे जो है इसमें देखिए आप इस तरह से अचार में जो है डाल के सबको मिक्स कर लीजिए। तो यहाँ पे जो हमने सरसों का तेल जो है इसमें कुछ ऐड कर लिया है और इन सबको हम जो मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए हमारा जो अचार है यहाँ बनके रेडी है, मिक्स हो चुका है। अब इसको जो हम इस तरह से कांच की बोतल में जो इसको फिल कर लेते हैं, और फिल करने के बाद आपको क्या करना है कि इसे देखिए 3 से 4 दिन की जो धूप है वो आपको दिखानी है, और धूप दिखाने के बाद जो है आपका बनके अचार रेडी हो जाएगा। फिर आप इसका टेस्ट कर सकते हैं। और देखिए एक तरीके से और भी किया जाता है, आप चाहो तो देखिए अगर इन सब मसालों को जो है आप सरसों का तेल जो है उसको कढ़ाई में जो है गर्म करके और उस सबको जो है करौंदे को उसमें ऐड करके आप उसको फ्राई कर लीजिए, और फ्राई करने के बाद जो है आप उस अचार को ठंडा करके इस तरह से बोतल की जार में भर लीजिए और फिर आप जो है 2 दिन के लिए उसे धूप में रख दीजिए। उस तरीके से भी अचार इसको डाला जाता है, लेकिन हमने जो अचार डाला है ये वाला तरीका भी काफ़ी अच्छा है, एक बार आप चाहो तो इससे भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये हमने इसमें फिल कर लिया है। अब इसमें जब हम देखिए इसको ढक्कन से कवर कर देते हैं और इसको हम 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए जो है धूप लगाएंगे। तो ये थी विधि अचार इसके डालने की। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी, और जो हमने हार्वेस्टिंग की थी वो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।